अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह हो चुकी है और यहाँ पे मैंने सोचा कि दाना डाल देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरे घर में कबूतरों का दाना आया है। बहुत दिन से ख़त्म हो गया था, और वैसे भी बर्ड्स को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम होता है, बहुत दुआएँ देते हैं। तो ये कबूतर जो हैं ये आते हैं रोज़ और दाना खा के बेचारे चले जाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि किचन जो सुबह के काम होते हैं ना, वो सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं और रात होने के बाद ही ख़त्म होते हैं। तो किचन सुबह मेरा बहुत मैस हुआ होता है, क्योंकि रात में मेरे बर्तन वगैरह नहीं वॉश हो पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चापे भी डिफ्रॉल होने के लिए रख दी हैं, क्योंकि आज मुझे आपके साथ शेयर करना है एक बहुत ही मज़ेदार सी चापों की रेसिपी। फ्राई चापे हैं और बहुत ही मज़े की होती हैं, फ्लेवरफुल होती हैं, साथ में बहुत ही कम मसालों में बनती हैं। बस आपको चापे चाहिए, आपको चाहिए धनिया पुदीना, और साथ में आपको गार्लिक चाहिए और सॉल्ट चाहिए। ये चार चीज़ें आपको चाहिए। अब करना क्या है, ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बहुत टाइम से मैंने सोच के रखा था कि मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूँ, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो क्या करना है, धनिया पुदीना वॉश कर लिया है मैंने अच्छी तरीके से, आपको भी बहुत अच्छे से वॉश करना है ताकि कोई भी मिट्टी वगैरह इसमें ना रह जाए। नेक्स्ट स्टेप में आपको धनिया पुदीना और छिला हुआ जो गार्लिक होता है वो छील लेना है आपको गार्लिक को, साथ में सॉल्ट, ये डाल के आपको बहुत ही स्मूथ सी इसकी चटनी बना लेनी है। तो यहाँ पर मैं भी चटनी बना रही हूँ, और साथ में मैंने किचन विचन भी अपना पूरा क्लीन कर लिया था, क्योंकि कोई भी रेसिपी शेयर करने से पहले मुझे अपना क्लीन पूरा करना पड़ता है किचन, उसके बगैर तो रेसिपी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इतना काउंटर पे सामान होता है, बर्तन होते हैं, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बाद ही कोई भी रेसिपी रिकॉर्ड हो पाती है। उसके बाद आपको चापों में ये चटनी डाल देनी है, साथ में आपकी मर्ज़ी है अगर आप सॉल्ट डालना चाहें तो डाल दें चटनी में ही, मैंने नहीं डाला था तो ऊपर से डाल देंगे सॉल्ट। ये मैंने पिंक सॉल्ट डाला है, कोई भी सॉल्ट डाल सकते हैं इसमें आप, वाइट सॉल्ट या फिर हिमालयन सॉल्ट, जो भी आपके पास है। उसके बाद इसमें आपको पानी डालना है इतना है कि बस जो चापे हैं वो कवर हो जाएँ। और इस रेसिपी को आप लोग अगर ट्राई करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा 100%, क्योंकि ये तो एक तो इसमें मसाले भी कोई भी नहीं होते हैं गरम, और दूसरी बात ये बहुत फ्लेवरफुल होती है चटनी की वजह से, ये बहुत फ्लेवरफुल बनती है। और ये रेसिपी मेरी खुद की भी नहीं थी, ये तो रेसिपी मुझे पता चली थी, मेरी मम्मा ने मुझे बताई थी। तो हमेशा मेरे घर में चापे इसी रेसिपी से बनती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं, ईजी भी होती है। तो बस अब हम इसे कुकर में रख के प्रेशर दे देंगे 1 से 2 सीटी, डिपेंड करता है आपके कंट्री में गोश्त कितनी जल्दी गलता है। तो बस अब हम इसे 1 से 2 सीटियां दे देंगे और फिर ये गल जाएगी। और गलने के बाद आपको क्या करना है, अगर पानी ज़्यादा हो तो आपको सारा पानी इसका ड्राई कर लेना है, ताकि जो चटनी है ना वो ड्राई ड्राई एकदम बोटियों पर चिपक जाए। और मेरे साथ तो ये होता है कि पानी हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है, चाहे जितना कम पानी कुकर में हो लेकिन हमेशा ज़्यादा हो जाता है। तो इस बार भी ज़्यादा ही हो गया था, तो मैंने पानी पहले ड्राई कर लिया, फिर मैंने सोचा प्लेट में निकाल के आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। तो ये देखिए चापों का फाइनल लुक बॉयल होने के बाद, जो पानी था वो मैंने एकदम ही ड्राई कर लिया था, जला लिया था, तो उसके बाद ये जो चापे हैं इसमें मसाला इस तरीके से लग गया है। तो अभी टाइम हो गया था खाने का, तो मैंने सोचा अब इसको फ्राई करते हैं। दोबारा किचन में आ गई हूँ मैं, तो यहाँ पे चापे जो हैं ये हमारी ठंडी भी हो चुकी हैं। और अब क्या करना है, मैं आपको एक चाप बता देती हूँ कैसे करना है, उसके बाद हम सारी ऐसी इसी तरीके से कवर कर लेंगे। तो आपको बस एग लेना है, एग को अच्छी तरीके से बीट करना है। एग में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मैंने चापे का जो मसाला है वो चखा था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्च है और नमक भी है, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके चापों में नमक मिर्च कम हो तो आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर या वाइट पेपर डालिए अंडों में, बीट करे हुए अंडों में, और साथ में सॉल्ट। अच्छा, अब आप इसमें बाहर के ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, इस वक्त मेरे पास थे नहीं, तो मैंने बहुत ही वो वाला काम किया है, शॉर्टकट वाला, मतलब सिर्फ ब्रेड को लेके क्रश कर लिया है और उसमें ये
अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पहले ब्रेड को टोस्टर में टोस्ट करके और उसके बाद क्रश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारे चापों की कोटिंग कर ली। नेक्स्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, आप चाहें तो बॉईल करने के बाद थोड़ी देर के बाद जब चापे फ्राई हो जाएं तभी आप कोटिंग करके फ्रिज में रख दें। तो ये रेसिपी बहुत इजी है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं इस रेसिपी के साथ। तो बस मैं अब इसको जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। और अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं चापे फ्राई होते हुए तो जल्दी से जाइए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में एक कमेंट करिए कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी और कभी आपने इस रेसिपी को ट्राई करा है कि नहीं किया है। अगर आप करते हैं ट्राई तो ज़रूर मुझे पिक्चर शेयर करिएगा इंस्टाग्राम पर। साथ में अगर आप वीडियोस ऐसे ही देख के चले जाते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए, सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का। तो आपको रेड बटन जो है उसको हिट करना है, साथ में बेल आइकन को ऑल में प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन मेरी मिले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे ये फाइनल लुक है चाप्स का, बहुत क्रिस्पी बनी है और क्योंकि इसमें मसाले कम है तो जो बोटियों का ओरिजिनल फ्लेवर होता है ना वो आ रहा है। साथ में मुझे आपको देना था रिव्यू इस कुकवेयर का। अच्छा, ये कुकवेयर जो है ये मैंने लास्ट विंटर में लिया था और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप नहीं करिएगा। तो ये कुकवेयर मैंने काफ़ी महीनों पहले लिया था, आई थिंक इसको हमने लिया था विंटर्स में क्योंकि इस वीडियो में मैंने जैकेट पहनी हुई है, सर्दियाँ थी। और बस रिव्यू इसलिए नहीं करा था क्योंकि इसको पहले मुझे यूज़ करना था, उसके बाद ही मुझे आपको रिव्यू देना था क्योंकि उस टाइम पे रिव्यू देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि मेरे घर में स्टेनलेस स्टील पहली बार आया था। तो जिस टाइम ये कुकवेयर हमने लिया था उस टाइम पे मेरे पास सारे नॉनस्टिक बर्तन थे और क्योंकि नॉनस्टिक जो होता है वो एक टाइम पे वो ख़राब होने लगता है और इससे काफ़ी बीमारियां सुनते हैं कि कैंसर होता है, ये सारी चीज़ें सुनते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि कुछ हेल्दी लेते हैं तो इसलिए मैंने स्टेनलेस स्टील लिया। आपको करना क्या होता है, आपको कुछ स्टेप्स हैं उसे आपको फॉलो करना है और उसके बाद फिर आपका जो कुकवेयर है वो ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले खाना बनाने से पहले ना आपको ऑयल से ग्रीस करना है अच्छी तरीके। सबसे पहले आपको पैन गरम करना है, उसके बाद ऑयल डालना है और ऑयल डाल के गरम करना है। और जब ऑयल डाल के आप अच्छी तरीके से उसको गरम कर लेंगे तो फिर आपका खाना है ना वो बिल्कुल नहीं जलेगा। तो दोनों चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं और दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और ये बड़ा जो पॉट है इसको मैंने बहुत कम यूज़ करा है, लेकिन ये पैन और छोटा वाला पॉट मैंने काफ़ी यूज़ करा है। तो इसमें दो पॉट हैं और एक लिड है, साथ में एक जो है वो फ्राई पैन है। और हैवी ये बहुत है, बहुत ही हैवी बॉटम का है जिससे खाना बिल्कुल भी नहीं जलता है क्योंकि कुछ चीप क्वालिटी के भी स्टेनलेस स्टील आते हैं जिसमें खाना पूरा जल जाता है नीचे से, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जलता है। और समटाइम्स जब मैं इसको अच्छे तरीके से ग्रीस नहीं करती हूँ तो मेरा खाना भी जल जाता है। तो इसका जो की है ना इसकी यूज़ करने की वो यही है कि आपको इसे अच्छी तरीके से ग्रीस करना है, ऑयल हल्का सा आपको ज़्यादा रखना है ताकि चिपके ना। तो एंड ऑफ स्टोरी ये है कि अगर कोई इसे बाय करना चाहता है तो आप लोग आके बन करके बाय कर सकते हैं क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसमें खाना नहीं चिपकता है और इसके बाद ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें कोई टेफ्लॉन कोटिंग नहीं है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि इंटरनेट पे यूट्यूब पे इस ब्रांड पर स्टेनलेस स्टील कुकवेयर पर बहुत कम वीडियोज़ थी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है कि मेरी वीडियो से आप लोगों को भी हेल्प हो और आप लोगों को भी आसानी हो चूज़ करने में कि आपको कौन सा ब्रांड चूज़ करना चाहिए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।